हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनसी वेब में एडमिशन जिन बच्चों का हो गया है उनकी क्लासेस कब स्टार्ट होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एनसी वेब में एडमिशन हो गया है एंड अब उनके मन में काफ़ी डाउट आ गए कि उनकी क्लासेस कब स्टार्ट होगी, उनको कॉलेज में कब जाना है, क्योंकि उनको कॉलेज की तरफ से अब तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको कंफर्म करना है कि आपका एडमिशन हो गया है। देखिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ीस पे कर दी है एंड जिनके पास पेमेंट रिसिप्ट भी जिन्होंने डाउनलोड कर ली है, वो बिल्कुल निश्चित हो जाइए क्योंकि आपका एडमिशन हो चुका है। अगर आपने फ़ीस पे कर दी है तो यानी कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन का प्रोसीजर आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद अब आपको ओनली वेट करना है कॉलेज से मैसेज आने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कॉलेज से कब कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी तक एडमिशन ओपन है, ठीक है, कट ऑफ आती जा रही है ना। अब कल 5th कट ऑफ आ जाएगी। इसके अलावा उसके बाद एक स्पेशल ड्राइव भी चलाया जाएगा उन कॉलेजेस के द्वारा जिनमें सीट वैकेंट रह जाएगी, है ना। तो आपको तब तक कॉलेज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जब तक कि एडमिशन सब बच्चों के नहीं हो जाते, ठीक है। यानी कि माना जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी की स्टार्टिंग तक ही आपको कॉलेज की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स मिलेगा क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि अभी एडमिशन ओपन है, 5th कट ऑफ आएगी अभी, उसके बाद स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। दिसंबर के एंड तक हो सकता है कि आपके पास कॉलेज की तरफ से कोई ईमेल आए, तो आप टाइम टू टाइम अपना ईमेल अकाउंट चेक करते रहिएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कॉलेज के द्वारा आपके पास फ़ोन किया जाए क्लासेस से रिगार्डिंग, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ गए थे कि हमको कॉलेज में कब जाना है, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कॉलेज में तब तक नहीं जाना है जब तक कि आपको कॉलेज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्लासेस से रिलेटेड। कॉलेज आपको खुद कॉलेज अथॉरिटी द्वारा आपको खुद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तभी आपको कॉलेज में जाना होगा, उससे पहले आपको कॉलेज में नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज से आपके पास कोई ईमेल आ सकता है, या फिर हो सकता है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जैसे कि स्कूल्स में बनाया जाता था, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास कॉलेज के द्वारा फ़ोन आए, ठीक है। तो आपको क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपको कॉलेज के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप अपने मन में डाउट मत रखिए एंड मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी की स्टार्टिंग तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको वीक में सैटरडे या संडे जाना होगा, तो आपको बता दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही। एनसीवेब से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।